इंश्योरेंस तो कोई भी ले सकता है, लेकिन क्या बेस्ट डील मिलती है किसी को? जो डीलर्स होते हैं उनसे जुड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारे यहीं से इंश्योरेंस लीजिए, आप अपनी कंपनी से ही लीजिए, और जो आउटर साइड के होते हैं वो कुछ और बड़े ऑफर्स देते हैं, यानी कि आप जो इंश्योरेंस खरीदेंगे उसकी कॉस्ट कम देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको लूटे ना, इसीलिए कुछ ऐसा बताना ज़रूरी होता है, समझाना ज़रूरी होता है कि जागो ग्राहक जागो। सबसे पहले हम जो देखेंगे ये चीज़ को देखेंगे कि भाई शोरूम से यानी सर्विस सेंटर से या फिर हम आउटर साइड से इंश्योरेंस कहाँ से लें। आखिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शोरूम वाले अपनी तरफ खींचते हैं, भाई शोरूम से करा लीजिए, और जो आउटर साइड वाले होते हैं वो करा लेने के लिए कहते हैं कि जो फैसिलिटी बाहर मिल रही है वो फैसिलिटी अंदर भी मिल रही है। यानी शोरूम में जो आप करा रहे हैं, सर्विस सेंटर में जो आप करा रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए इंश्योरेंस कंपनियों से जो करा रहे हैं, तो वो भी अपने आप में कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से कराओगे तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, आपको जाने ये फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको कोई हेडेक ही नहीं करनी पड़ेगी, कहीं आने जाने की कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप केवल गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी में कुछ भी काम होना है वो आपके बिना किसी सिरदर्दी के ऐसे ही हो जाएगा। तो आखिर इस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे किया जाए कि हम कहाँ से लें, हमें बेस्ट इंश्योरेंस चाहिए, और ये जो गाड़ी कंपनी जो है, ये जो ब्रांड्स लेके बैठे हुए हैं, जो सर्विस सेंटर्स लेके बैठे हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि वहीं से हम सारा कुछ काम कराएं, तो वहाँ का सारा हम सब कुछ। तो भाई ये सब क्या चल रहा है, सब वही ICICI, वही कोटेक, वही टाटा AIG या फिर बजाज एलाइंस, जो भी ये कंपनियां हैं ये वहां भी बैठती हैं, यानी सर्विस सेंटर जो आपका कार का सेंटर है उसमें भी बैठती हैं, और वो डीलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बाहर की बात भी कर रहा हूं, आउटर साइड में भी बैठ रही हैं। तो उन चीज़ों में आखिर हम क्या कैसे पता लगाएं कि भाई यहाँ हम करें तो बेटर है, इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है तो उसको रिन्यू कर दीजिए, बस हो गया काम। लेकिन ये हमें पता ही नहीं कि वो 18-19 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, और बाहर की साइड से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई कांटेक्ट कर रहा है बाहर की साइड से, कोई इंश्योरेंस कंपनी हमें कांटेक्ट कर रही है, तो वो कितना कह रही है, 9,000-10,000, मुश्किल से 11,000-12,000-13,000 भी नहीं मांग रहे हैं, और वो लोग कितने मांग रहे हैं, 18,000-15,000-14,000। आखिर ऐसा क्यों है, ये अंतर आखिर होता क्यों है, और किस मद्देनज़र ये हमसे ये कहते हैं कि भाई आप डीलर के ही शोरूम या सर्विस सेंटर में ही अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाइए। बेसिकली हमारा बेनिफिट होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिलने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर जो मिलेंगे वो कम से कम हम पेमेंट देंगे और उसमें मिलने चाहिए, और हो सके तो ऐड ऑन फीचर भी हमें मिलेंगे। तीन बातों का ध्यान देना है, उनमें तीन बातों में क्या है, हमें नेटवर्क ऑफ गैराज, जो भी हम कंपनी चुन रहे हैं अपने गाड़ी इंश्योरेंस के लिए, उसके नेटवर्क ऑफ गैराज देखने हैं, हो सके तो हमारे शहर में ही नहीं बल्कि हम कहीं और भी जाते हैं तो उसके गैराज मैक्सिमम हैं कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया आपको इजीली मिल पा रहे हैं, तो आपको गैराज सबसे पहले चेक करने हैं उस कंपनी का जो भी आप कंपनी चुन रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी चुन रहे हैं। सेकेंड आती है चीज़, वो होती है कंपल्सरी डिडक्शंस, जो कंपल्सरी आपको देने ही देने हैं डिडक्शंस, भले ही कोई कुछ भी हो उसमें कि आपका इंश्योरेंस बहुत बड़ा वाला इंश्योरेंस है, आप उसमें जीरो डेप्थ भी एड ऑन ले चुके हैं, आप उसमें बहुत सारे एड ऑन ले चुके हैं, लेकिन उसमें कितने भी एड ऑन ले चुके हैं लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो डिडक्शंस होते हैं वो होते ही होते हैं, जैसे फाइल चार्ज का एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट होता है 1,000-1,200 रुपये का, तो वो भी आपको देखना होगा कि कंपलसरी में हो सकता है कि हिडन चार्जेस इतने ज़्यादा हों कि तो आप फंस जाएं, तो एक चीज़ ये भी देखनी है आपको, दो चीज़ ये हैं। और जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है क्लेम ऑफ प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस होगा क्लेम का वो किस तरह से होगा, क्या आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगी, क्या वो कंपनी जो आपने इंश्योरेंस के लिए चुनी है वो इतनी ज़्यादा आपके लिए हेडेक वाली हो जाएगी कि आप उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सेंटर ही बहुत कम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और प्रोसेस होते हों, कोई लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैशलेस की फैसिलिटी ना हो। तो आपको ये तीन बातें तो मेन पहले समझ लेनी है कि जिस कंपनी को भी आप देख रहे हैं, दो या तीन या चार जो भी कंपनियां देख रहे हैं, तो उनमें ये तीनों फैसिलिटी तो होनी ही होनी चाहिए, मेन चीज़ तो ये समझ में आती है। अब इसके बाद जो चीज़ें समझ में आती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है, इन तीन बातों पे तो डिपेंड हो गया है। इसके बाद क्या, इसके बाद आपका जो चौथी चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गाड़ी की वैल्यू।
जो इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस को रिन्यू कर रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस जब रिन्यू होगा तो उसमें एक वैल्यू देंगी कि भाई आपकी गाड़ी अगर खुदा ना खास्ते कभी कभी ऐसा हो गया कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई या फिर किसी ने उसको चुरा ली, तो उस समय क्या होगा कि आपकी उस गाड़ी की जो वैल्यू उन्होंने इंश्योरेंस टाइम में लगाई है वो होती है IDV वैल्यू। अब IDV जो होती है वो होती है कि आपकी ये वैल्यू है कि मसलन आपने 8 लाख की या 10 लाख की गाड़ी ली है और वो आज जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो 6-6.5 लाख की वो आपको IDV वैल्यू दे रहे हैं, तो वही वैल्यू पे आपकी बात चलेगी कि आपकी आपकी गाड़ी नष्ट हो गई है या चुर गई है तो आपको जो IDV वैल्यू दी गई थी उसके मद्देनजर ही आपको सेटलमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आपको ध्यान रखना है चौथी चीज़ में कि IDV वैल्यू को आपको बढ़ाना है, कोशिश करना है कि वो मैक्सिमम आपको मिल सके, मैक्सिमम आपको मिल सके ये आपको कोशिश करना है। नहीं भी मिल रही है, आपको एड ऑन से बहकाया जा रहा है कि आपको कुछ और एड ऑन दिया जाएगा तो उसको आपको देखना ही नहीं है IDV को ये, लेकिन इस चीज़ को आप माइंड में नहीं रखेंगे कि अगर हम एड ऑन में RTI यानी उसकी जो इनवॉइस के हिसाब से पैसे ले ही रहे हैं अगर नष्ट होने पे तो हमें क्या लेना है IDV। IDV का मतलब होता है आगे के लिए भी, आगे जब अगली साल आप इंश्योरेंस कराएंगे तो IDV वैल्यू पिछले IDV वैल्यू से कम 10% घटाकर ही वो देते हैं। ये चीज़ भी हमें समझ में आती है इन सारी बातों को जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनसे, तो ये चीज़ें भी समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम यही समझ में आ रहा है कि चौथी जो चीज़ है हमें जो माइंड में रखनी है, चौथा सवाल हमारा जो होना चाहिए वो यही होता है कि IDV वैल्यू आप कितने दे रहे हैं, IDV वैल्यू ये कंपनी कितना मुझे दे रही है, वो कितना दे रही है और मुझे बाकी की फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही हैं। अब अगर ये चारों चीज़ें अगर क्लियर हैं, ये चारों चीज़ें आपको सही लगती हैं तो आप पूछेंगे कि इंश्योरेंस वैल्यू क्या है, जो आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसकी क्या आपको कॉस्ट देनी पड़ रही है। अगर उसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है किसी अन्य कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है तो वो भी बेटर नहीं है, तो इसलिए आपको बार्गेनिंग करने की कोशिश करनी है। हो सके तो आपको जो बेटर दे रहा है, आपको जो कॉस्ट आपको जो आपको पेमेंट करनी है वो बेटर ऑफर दे रहा है तो वो वाली चीज़ आपको दे देनी है। मुझे यही वाला इंश्योरेंस, यही वाली फैसिलिटीज़ जो दूसरा वाला इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो ये कॉस्ट पर दे रही है तो मैं एक्स्ट्रा मनी क्यों पे करूँगा यहाँ पे। वो भी अच्छा गैराज रखती है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में मुझे सारी फैसिलिटी दे रही है, जो डिडक्शंस हैं जो कंपलसरी डिडक्शंस मुझे देने हैं, जो फाइल चार्जेस हैं वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसके ज़्यादा हैं, और मुझे तो कैशलेस की फैसिलिटी भी है यानी कि क्लेम में कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं आने वाली है, तो मैं यहाँ क्यों इतने पैसे दूँ। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और मनचाही अपनी कंपनी में एक अच्छा खासा डील पा सकते हैं। अब इसमें जो एड ऑन आते हैं जीरो डैप जो आपको लेना चाहिए, ये पांचवी चीज़ है कि आपको जीरो डैप भी लेना चाहिए। हो सकता है कि कल को आप बाज़ार में जा रहे हैं, ये हो नहीं सकता बल्कि होता रहता है कि किसी की भी गाड़ी जब बाज़ार में जाएगी या फिर कहीं रोड पे चलेगी तो थोड़ा बहुत तो वो लगेगी कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसा लग गई कि आपको वो रिपेयर कराना है तो उसमें खासा खर्चा आ जाता है। आप जानते होंगे कि एक पार्ट के हिसाब से ही वो कई हज़ार का खर्चा वो बता देते हैं, आप किसी डीलर के पास जाएं या फिर आप बाहर से भी कराएंगे तो वहाँ भी कुछ कम नहीं है, प्राइसेस लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन काफ़ी हज़ार का खर्चा हो जाता है, एक छोटा सा स्क्रैच भी हटवाने के लिए काफ़ी मशक्क़त और दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जीरो डैप बहुत काम आता है। जीरो डैप की कंडीशंस जितनी अच्छी हों वो बढ़िया, जीरो डैप आप लें तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये अगला स्टेप हो सकता है कि आप जीरो डैप को पकड़ेंगे, ये 6 पॉइंट आता है। 7 पॉइंट में आता है कि आप हो सके तो IDV वैल्यू आप नहीं बढ़वा पाए या फिर IDV वैल्यू आपके हिसाब से अभी भी कम लग रही है, आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी उस लेवल से तो चल नहीं रही है कि भाई हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, आज भी नई जैसी लगती है और आपको लग रहा है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेजर प्रॉब्लम हो गई, आपकी गाड़ी हाथ से चली गई तो आप क्या करेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे, IDV वैल्यू तो आपको कम लग रही है तो पहले ही आप IDV वैल्यू के साथ एड ऑन में RTI ले लेंगे। RTI होता है रिटर्न टू इनवॉइस, RTI का मतलब होता है रिटर्न टू इनवॉइस, मतलब जो आपके इनवॉइस बनी हुई थी, जो आपने जब गाड़ी परचेज की थी और इनवॉइस बनी थी उस प्राइस को वो वहाँ पे लाएंगे, यानी जब आपकी गाड़ी किसी तरह से
खत्म हो जाती है या फिर चुड़ जाती है, तो तब सेटलमेंट होगा उस वाले प्राइस जो आपके इनवॉइस में था, कार का जो इनवॉइस प्राइस था वो प्राइस पर ही सारी बातें होंगी। तो आरटीआई आप ले सकते हैं, 6 और 7 के जो पॉइंट के नंबर, मैं कहूँगा कि 6 और 7 जो फीचर जो एड ऑन में आएगा, तो आप ये इसको मद्देनजर रखें। बाकी के एड ऑन जो फीचर्स आते हैं, रोड असिस्टेंस या फिर डेली अलाउंस, इस तरह के जो फीचर्स या कुछ और भी फीचर्स आ रहे हैं, वो आप अपने नीड के हिसाब से ऐड कर सकते हैं उसमें, और नहीं भी आएंगे तो कोई ऐसी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। एक सेफ्टी, आप सेफ्टी के साथ गाड़ी चला रहे हैं, सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाएं, तो एकदम आपकी गाड़ी सुरक्षित रहने वाली है, ऐसा कुछ आपको ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। हो सके, भगवान करे कि आपको इंश्योरेंस क्लेम ये सब चक्रों में पड़ना ही ना पड़े, तो बेटर है कि आप वो चीज़ को नीड करें बाद में, कि आपका जो वैल्यू है, जो कॉस्ट आपको देनी है उस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं है। ये 6-7 जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आपको सही लगते हैं, आपको अपनी गाड़ी के मद्देनज़र आपको सही लग रहे हैं और बाकी कंपनी के मुकाबले ठीक लगते हैं, तो आप आँख बंद करके वो इंश्योरेंस ले लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी के जो डीलर है, जो शोरूम वाला है, वो बेच रहा है इंश्योरेंस, वही लेंगे, आप आउटर साइड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आप डीलर से ठीक नहीं करवा रहे हैं, गाड़ी बाहर से ठीक करवा रहे हैं, आप नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर कोई वजह से क्लेम जो आपकी कंपनी है वहाँ नहीं दे पा रही है और बाहर से दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप बाहर से कराएंगे तो जेन्युइन पार्ट नहीं मिलेगा। जेन्युइन पार्ट वहाँ भी मिलेगा, वो बंदा जाके भी वहाँ से पार्ट खरीद सकता है और आपका वहाँ पे भी क्लेम सेटल होगा और कैशलेस भी हो जाएगा। इन सब बातों को दरकिनार रख दें कि डीलर या इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी डीलर के साथ जुड़ी हुई है, वो आपको प्रेशराइज़ कर रही है कि आप यहाँ से कराइए, सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, और वो 8-10 हज़ार रुपये आपसे फालतू वसूल लेते हैं, जबकि वो एड ऑन फीचर्स में क्या देते हैं, सिर्फ एक जीरो डैप एंड इंश्योरेंस के अलावा वो कोई भी एड ऑन फीचर या कोई राइडर नहीं देते हैं। तो अगर बाहर से आपको जीरो डैप के साथ साथ वही सारे फीचर्स के साथ साथ एड ऑन में भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं और आपको इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी ज़्यादा पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ रहे हैं, तो क्यों ना आप बाहर से ही इंश्योरेंस खरीदें। कैशलेस तो बाहर भी हो जाएगा, बाहर वाला भी बंदा आपके उस डीलर से जाके वो पार्ट ला सकता है और वहाँ लगा सकता है, और उसका कैशलेस आपको पेमेंट भी हो सकता है। कैशलेस की सुविधा हर जगह हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कैशलेस की फैसिलिटी केवल आपके डीलर की या फिर आपके कार सर्विस सेंटर पर ही हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाहर भी हो सकता है। और वो कंपनी जो आप बाहर से जो इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो आपके डीलर के साथ भी सेटलमेंट कर सकती है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, हो सके तो सुरक्षित गाड़ी चलाएं और हमसे बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और अच्छी लगती है तो आगे शेयर कर दें।